हेलो टू एवरीवन, अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मैच पॉइंट पर डॉक्टर अदनान ई आवाज की दुनिया में लेके आ गए हैं स्पोर्ट्स के लिए। आपके लिए एक नया शो आपके लिए हाजिर खिदमत है और आपको एक घंटा मैं स्पोर्ट्स की और क्रिकेट की न्यूज से जो है वो माला माल कर दूंगा। सबसे पहली बड़ी खबर आपको देनी है जो हेडलाइन न्यूज होंगी, मेरी फिर प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद आपको देना चाहूंगा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, मनजोत टर्न्स ब्रिंग इंडिया अगेन द वर्ल्ड कप आफ्टर 2000, 2008, 2012 एंड नाउ 2018 द फोर्थ प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ द वर्ल्ड कप बैक टू द इंडिया। इसके बारे में तफसील से आपको खबरें दूंगा। बड़ी खबर जो क्रिकेट के हल्के से ये है कि इंग्लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त खाने के बाद, ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज के बाद उन्होंने एक वन साइडेड एनकाउंटर के अंदर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी हिस्ट्री की बदतरीन शिकस्त दी और 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो अब मार खाने के बाद न्यूजीलैंड का रुख कर चुकी है, जहां पर वो न्यूजीलैंड से T20 में पंजा आजमाई कर रही है, जहां डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत जो है अभी न्यूजीलैंड के सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की बरकरी हासिल है। इंग्लैंड ने जो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी तो वहां पर मैं मैक्सी मैनिया ग्लेन मैक्सवेल, प्रीति जिंटा के ग्लेन मैक्सवेल का जिक्र ना करना बड़ी ज्यादती हो जाएगी हेडलाइन के अंदर। ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द T20 हिस्ट्री टू मेक अ 100 इन द सेम मैच एंड देन बैकिंग अप 3 विकेट्स इन द सेम मैच। दिस इज द फर्स्ट एवर ऑफिशियल क्रिकेटर टू अचीव सच फीट इन अ क्रिकेट मैच। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान आपको ले चलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ। अब खेल जमेगा। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने कंफर्म किया है कि साइंड एंड हिज बोर्ड फीचरिंग द सीरीज इन्वॉल्विंग वेस्ट इंडीज इन द फ्यूचर। आपको मैंने पहले भी खबर दी थी अपने रेडियो शो में 770 और साजो आवाज पे। दोबारा मैं आपको कंफर्म करता चलूं कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश अगस्त 2018 रवा साल के अंदर USA के अंदर सीरीज खेलेंगे। पहले इसका एक बर्मला इजहार किया गया था तीनों बोर्ड की जनब से, लेकिन अब ये जो है वो कंफर्मेशन होगी और एग्रीमेंट जो है वो साइन हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि वेस्ट इंडीज जो है इसके अलावा टूर कर रहा है पाकिस्तान का जी T20 सीरीज के लिए एट द एंड ऑफ द मार्च। अब देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद क्या दोबारा खेल जमेगा कि नहीं जमेगा। एंड क्रिकेट कम्स होम, कजाफी स्टेडियम लाहौर में वेस्ट इंडीज की टीम ने अलविदा दे दिया है जी। पाकिस्तानी जो शाकीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ई आवाज का, पाकिस्तान भी उनके लिए अच्छी खबर कि एक दफा दोबारा कमर कस लें टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि कजाफी स्टेडियम में जलवागर हो रही है वेस्ट इंडीज की टीम वर्सेस पाकिस्तान इन देयर होम, इन देयर रियल होम, नॉट इन द अल्टरनेट होम। थोड़ी सी खबर देना चाहूंगा आपको पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में। जो बड़ी न्यूज है वो सरफराज अहमद की क्वेटा ग्लेडिएटर्स टीम, अनलकी टीम, दो दफा की फाइनलिस्ट टीम, हारी हुई टीम, एक दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारी हुई और एक दफा पेशावर जैलमी से हारी हुई, तीसरी दफा पंजा आजमाई के लिए रेडी, सबसे मजबूत टीम, टीम कैप्टन सरफराज अहमद की टीम, नदीम उमर जो उनके ओनर है क्वेटा ग्लेडिएटर्स के, उन्होंने कुछ प्लेयर्स की कंफर्मेशन और अनकंफर्मेशन का बताया है, तो मैं आपको वो देना चाहता हूं ब्रेकिंग न्यूज कि उन्होंने बताया है कि ऑल ओवर प्लेयर्स इंक्लूडिंग शेन वॉटसन जिनको उन्होंने ट्रेड किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड से, उन्होंने कहा था कि दे आर रेडी एंड विलिंग टू कम एंड प्ले इन पाकिस्तान, लेकिन केविन पीटरसन इज द ओनली एक्सेप्शन। उन्होंने कहा कि केविन पीटरसन को अभी भी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केविन पीटरसन जो है उन्होंने अभी तक उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि वो क्या पाकिस्तान में आके पाकिस्तान सुपर लीग की अगली लेग खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। लेकिन यहां पर दिलचस्प बात ये भी है कि रजब शेट्टी ने कहा था कि हम साइन करवाएंगे तमाम प्लेयर से कि दे विल बी बाउंड टू प्ले एट एनी ग्राउंड एट एनी वेन्यू ड्यूरिंग द PSL सीजन। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि ये क्या ये जो डिफरेंसेस है ये इस तमाम प्लेयर्स पे सब पे ये लागू होगा ये असूल या कुछ इससे बालाकर होंगे या नजर आपको बताएगा। कराची किंग्स के ओनर जो है सलमान इकबाल, उन्होंने ये बताया है कि 6 out of 7 फॉरेन प्लेयर्स हैव एग्रीड टू कम टू पाकिस्तान और वो तमाम अगर कराची किंग्स प्रोसीड करता है सेमी फाइनल्स में और फाइनल में तो उनके 6 में 7 में से 6 लड़के जो हैं ओवरसीज प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। सिर्फ उन्होंने इयन मॉर्गन के बारे में बताया है कि जो इंग्लिस्तान के ODI टीम के कप्तान इयन मॉर्गन जो है वो थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे और जल्दी वापस जाना चाहेंगे।
जो है ये उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि इयान मॉर्गन जो है स्टिल पाकिस्तान में खेलने के लिए रजामंद है। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर द पीएसएल। एक और जहां गुड न्यूज की बात हो रही है तो आपको मैं वहां एक और गुड न्यूज दे दूं, और वो टीम फास्ट बॉलर जुनैद खान जो जख्मी हो चुके थे लास्ट सीरीज में और वहां पर अपने सीरीज जो मुकम्मल नहीं कर पाए थे, ही इज नाउ फुली फिट एंड फुली फिट टू ज्वाइन एंड प्ले एंड ही इज ऑल सेट टू ज्वाइन मुल्तान सुल्तान्स। याद रहे कि वो अब पेशावर जर्मी से नहीं बल्कि मुल्तान सुल्तान से खेलेंगे, और देखते हैं कि वसीम अकरम अपनी स्विंग का उल्टे हाथ का जादू क्या जुनैद खान में ट्रांसफर करने में कामयाब होंगे कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कुछ और न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज स्पोर्ट्स की दुनिया से, पाकिस्तानी जो हमारे नाजरीन है उनके लिए थोड़ी बुरी खबर, हसन अली इज नो मोर नंबर वन बॉलर इन द ओडीआई रैंकिंग्स। हसन अली जो है अपनी परफॉर्मेंस के बाद बहुत जल्दी उन्होंने पीक अचीव की थी, आई होप कि वो दोबारा इसको रीगेन करेंगे स्टेटस को, लेकिन फिलहाल जो है वो इस पोजीशन पे नहीं है एंड ही हैज स्लिप्ड टू नंबर फोर। अब नंबर फोर पे जाने का मकसद ये है कि नंबर वन पे कोई और है, नंबर वन पे कौन है, नंबर वन पे एक पाकिस्तानी है मगर उनका दौलत अभी पाकिस्तान से नहीं है क्योंकि वो खेलते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। जी हाँ, प्राउड सन ऑफ लाहौर बट राइट नाउ द करेंट प्राउड साउथ अफ्रीकन इमरान ताहिर जो है उन्होंने नंबर वन पोजीशन जो है वो रीगेन कर ली है साउथ अफ्रीका जानिब से। और ट्रेंट बोल्ट जो है जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से जो है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो सन 2000 का मुझे याद आता है वो ट्रेंट बोल्ट के नाम रहा था, बड़ा एक फेमस नाम न्यूजीलैंड से। ट्रेंट बोल्ट जो है इस वक्त नंबर टू पे आ चुकी है। बाबर आजम के बारे में बात करना चाहूँ, पहले आपको मैंने एक बुरी खबर दी, अब एक अच्छी खबर दे देते हैं। आईसीसी T20 रैंकिंग्स में बाबर आजम जो है वो पहले नंबर पे विराजमान हो चुके हैं। ही इज नाउ एट द नंबर वन स्लॉट, अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप एंड स्पेशली पाकिस्तान फ्रेजाइल एंड अनप्रेडिक्टेबल बैटिंग लाइनअप जो एक लम्हे में कुछ और एक लम्हे में कुछ होती है। जहां क्रिकेट खेली जाती है वहां पर इंडिया और पाकिस्तान का नाम ना आए तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ही एक दूसरे के हम पल्ला रहे हैं, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और इंडियन क्रिकेटर्स जो सब करंट एरा में खेल रहे हैं, मैं कहूंगा कि ये इस वक्त सबसे अनलकी जो है वो 11s हैं जो आजकल चल रही हैं क्योंकि इनको इतना फ्रीक्वेंटली नहीं खेलने को मिल रहा। वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान और पाकिस्तान के साबिक कप्तान और पाकिस्तानी हॉल ऑफ फेम वसीम अकरम का कहना है कि मैं इस लिहाज से बहुत ही खुशकिस्मत रहा कि मैंने अपने करियर के दौरान 3 इंडियन सीरीज खेली जिसमें से हम उनको 2 में शिकस्त दे के आए। और वसीम अकरम कहते हैं कि आजकल के जो बॉलर्स हैं और आजकल के जो बैट्समैन हैं वो शायद ख्वाब देखते हैं दोनों जानिब से कि कब हम एक दूसरे के खिलाफ सीरीज खेलेंगे। एंड ही सेइंग दैट व्हेन यू मीट अप इन द टेस्ट क्रिकेट दैट इज द रियल टेस्ट ऑफ द पावर, दैट इज द रियल टेस्ट ऑफ स्टेमिना फ्रॉम ईदर साइड्स, आइदर यू आर फ्रॉम इंडिया और आइदर यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। मुशफ्फर रहीम के बारे में खबर देना चाहूंगा आपको। जी मुशफ्फर रहीम टीम कैप्टन बांग्लादेश के कप्तान, आप पीछे तस्वीर भी देख सकते हैं हमारे, इनके मुशफ्फर रहमान जो है वो बड़े खुश हैं, लेकिन ये खुशी जो है ये बांग्लादेश की जीत की नहीं है, आप उनके हाथ में एक बेबी देख रहे हैं, ये बेबी बॉय जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है वो उस पर खुशियां मना रही है। एंड ही इज अ प्राउड सन, वो कहते हैं कि ही विल बी अ प्राउड सन ऑफ बांग्लादेश और बांग्लादेश का नाम ऊंचा करेंगे। और देखते हैं कि मुशफ्फर रहीम जो अगला टूर करेंगे श्रीलंका के खिलाफ ये कैसे फिनिश अप होते हैं, टीम बांग्लादेश जो है वो क्या करने जा रही है। इंडिया की जहां रेटिंग्स की बात हो रही है तो आपको एक न्यूज दे दूं, बड़ी एक अजीबोगरीब न्यूज है, शायद आपको अब तक मिल चुकी हो, नहीं मिली तो कोई बड़ी बात नहीं, मैच पॉइंट ये वास्तव में इसीलिए लेके आते हैं। बड़ी हेडलाइन न्यूज, इंडिया करंटली हैज आइडेंटिकल नंबर ऑफ रेटिंग पॉइंट्स इन द आईसीसी क्रिकेट। आईसीसी क्रिकेट में आइडेंटिकल पॉइंट्स जब मैंने कहा तो मेरा मतलब यह है कि जो 3 रैंकिंग्स है आईसीसी की, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, टी20 क्रिकेट, इंडिया उसमें जो टेस्ट और ओडीआई है उसमें नंबर 1 है, जबकि टी20 में इंडिया इज करंटली नंबर 2 रैंक टीम बिकॉज नंबर 1 स्लॉट हैज बीन ग्रैब्ड बाय द सरफराज अहमद टीम पाकिस्तान। लेकिन स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि तीनों जो स्टेटस हैं टेस्ट, ओडीआई, टी20, तीनों में टीम इंडिया 121 पॉइंट्स के साथ है, 121 पॉइंट्स के पहले, 121 पॉइंट्स पहले और 121 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है।
बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है कि आज से पहले क्रिकेट की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक टीम ने दो जगह पर स्टेटस गेन किया हो, नंबर वन का और एक जगह नंबर टू का, लेकिन उसके पॉइंट्स जो है वो तमाम फॉर्मेट में आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल होने का मतलब ये है कि उनके पॉइंट्स 121 है। खबरें बहुत ज्यादा है, प्रोग्राम भी शुरू करना है। आई विल बी क्विक, आई विल ट्राई टू बी क्विक। साउथ अफ्रीकन स्किपर जो है फाफ डु प्लेसी, बैड न्यूज साउथ अफ्रीका के लिए। भारत ने उसका भरपूर फायदा उठाया, प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि भारत ने कैसे फायदा उठाया। एबी डिविलियर्स बाहर हो गए, फाफ डु प्लेसी बाहर हो गए, और भारत को मिल गया खुला मैदान। और विराट कोहली को जब मैदान मिलता है तो आप जानते हैं वो है खेलने के शहनशाह। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं खेलोगे तो मुझे खेलने का मौका मत देना, क्योंकि मैं जब खेलूंगा तो तुम सब देखोगे। विराट कोहली ने खेला और सब ने देखा। क्या देखा? वो हमने भी देखा। मैच पॉइंट में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम आपको आगे चल के बताएंगे कि विराट कोहली ने क्या किया। डु प्लेसी फिंगर इंजरी की वजह से अभी साउथ अफ्रीका से बाहर है। मोरेल बड़ा डाउन है साउथ अफ्रीकन कैंप का। साउथ अफ्रीका सरतोड़ कोशिश करेगा अब सीरीज बराबर करने की, क्योंकि अब वो जीत नहीं सकते। आगे चल के आपको बताएंगे कि पोजीशन क्या चल रही है। जो गुड न्यूज है, करंट न्यूज, बड़ी खबर साउथ अफ्रीकन कैंप में, माई मैन इज बैक। And my man is only one man, AB de Villiers, the man on the front from South Africa. AB de Villiers जो है वो जख्मी होकर बाहर जा चुके थे, उम्मीद का एक नया दरवाजा खुलने जा रहा है। AB de Villiers जब चौथे मैच में इंडिया का सामना करेगी साउथ अफ्रीकन टीम, तो वहां पर उनको साबिक कप्तान और सुपर डुपर एक्सप्लोसिव बैट्समैन जो है AB de Villiers जो है उनकी फैसिलिटीज होंगी। देखते हैं कि AB जो है वो इस मैच में क्या करने जा रही है, क्या इंडिया को एक टफ फाइट मिलने जा रही है, क्या इंडियन बॉलर्स का वही हाल होने जा रहा है जो उनका IPL में होता है, या नतीजा उससे कुछ मुख्तलिफ होगा। लेकिन आपको ये भी बताऊंगा कि AB de Villiers जो है वो क्या करने जा रही है और क्या बड़ा कारनामा है, और ये जो ODI खेला जाएगा चौथा, इसकी खास बात क्या होगी। तो इसके लिए आपको रहना होगा ट्यून इन ई आवाज पे, जो ही प्रोग्राम शुरू होगा तो इसमें आपको मैं न्यूज दूंगा कि AB de Villiers क्या करने जा रही है। For the first time in the 9 years, South Africa was playing the ODI without AB de Villiers. बहुत बड़ी बात थी, जब last time AB बाहर हुए तो South Africa को बहुत बड़ा झटका लगा। 9 साल के दौरान, जो पिछले अगर मैं उठाऊं माजी के इनके ODIs, तो ये पहला मौका था जहां पर without AB de Villiers और Faf du Plessis के South African team इतने बड़े महाज पे टीम इंडिया से खेल रही थी। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ तो दैट वाज द हिस्टोरिक ग्राउंड MCG, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और साल था 2009, और वो खेल रहे थे टीम ऑस्ट्रेलिया ऑसीज कैंगरूज के खिलाफ। और जो नतीजा था मैच का वो बड़ा खौफनाक था कि साउथ अफ्रीका वेंट आउट ऑन देयर लोएस्ट एवर टोटल। तो अब टीम इंडिया ने उसका भरपूर फायदा उठाया, आलो कि वो लोएस्ट टोटल पे तो ना गए लेकिन उन्होंने उनको सीरीज जीतने से दूर कर दिया और परे कर दिया। दिस इज ऑल्सो अ न्यू रिकॉर्ड जिसको मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। वन मोर थिंग एंड वन मोर प्लेयर टू वॉच आउट इन दिस सीरीज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ओल्ड टीम कप्तान MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो तमाम तर तवज्जो जो है विराट कोहली के बाद उन पर मरकूज होगी, क्योंकि क्रिकेट की तारीख में अब MS धोनी इन द ODI इज एट 9898, 9898 रन के ऊपर है, और उनको लगभग 109 रन चाहिए 10,000 रन मुकम्मल करने के लिए। अगर वो ये 10,000 रन मुकम्मल कर लेते हैं, इफ ही अचीव दिस स्कोर, ही विल बी द 12th ओवरऑल इन द वर्ल्ड एंड द 4th प्राउड इंडियन एंड द सेकेंड इंडियन स्किपर टू अचीव दिस फीट आफ्टर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली। और आप देखते हैं कि MS धोनी अगर विराट कोहली और शर्मा और धवन जो है उनकी बैटिंग आने देंगे तो हम देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जो पहले मैच हुए उनमें एक में धोनी की बारी नहीं आई और एक में धोनी ने चेस किए बगैर ही मैच जो है उनके आने से पहले ही मैच जो है वो चेस हो चुका था। तो देखते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जो है क्या 10,000 का मैजिक फिगर जो है वो इंडिया के लिए क्या टच करने वाले चौथे क्रिकेटर जो है वो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। अच्छा, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको, मैं जाने से पहले आपको मैं छोटा सा एक बात करना चाहता हूं, और वो बात करना चाहता हूं कि अपने देखने वालों को बताना चाहता हूं कि जो हम पाकिस्तानी और इंडियन होते हैं, I mean सब कॉन्टिनेंट से हमारा ताल्लुक है, तो जितने भी हमें स्टोरीज का बड़ा शौक है, हम स्टोरीज में जाने के लिए कोशिश करते हैं और स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो प्लीज आप खबर को खबर रहने दीजिए करें। मैं काफी जगह पर सुन रहा था, मेरे बहुत से बेशुमार इंडियन दोस्त हैं, पाकिस्तानी दोस्त हैं,
हम क्रिकेट डिस्कस करते हैं और दिल खोल के डिस्कस करते हैं, लेकिन एक मैं चीज कहूंगा कि आप क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें और उसको पाकिस्तानी और इंडियन रंग में जो है खबर को मत बनाया करें। एक खबर जो है वो बड़ी गर्मा गर्म हुई कि जगह जगह मैं पेपर्स पे पढ़ रहा था और मैंने सुना सोशल मीडिया पे लिखा आया कि मिकी आर्थर ने कहा है कि विराट कोहली जो है जो इस वक्त बैटिंग मास्टरी हुए हैं और दुनिया के तमाम ग्राउंड्स में जो है वो सेंचुरी बना चुके हैं सिवाय पाकिस्तान के, तो कहा गया कि विराट कोहली अगर पाकिस्तान आएंगे तो हम उनको सेंचुरी नहीं बनाने देंगे। खुदा का वास्ता है कि खबर को खबर ना बनाया करें, उसको न्यूज रहने दिया करें जो मिकी आर्थर ने कहा है। मिकी आर्थर ने कतन ऐसा नहीं कहा, लेकिन इंडियन अखबारात और पाकिस्तानी अखबारात खासकर इंडियन अखबारात ने इसको अपने रंग में ढाला कि मिकी आर्थर ने कहा कि हम विराट कोहली को सेंचुरी नहीं बनाने देंगे। वो ऐसा नहीं था। आपको मैं करेक्ट वर्डिक्ट देता हूं कि मिकी आर्थर ने क्या कहा था। विराट इज एन अमेजिंग प्लेयर बट ओवर बॉलर्स विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेक 100 इन पाकिस्तान। अब इस इंग्लिश का तर्जमा जो है आप इसको इसी इंग्लिश के स्टाइल में करिए, उसको इंडियन और पाकिस्तानी स्टाइल में मत करिए। विराट कोहली बहुत अजीम बल्लेबाज है, उनके बारे में मैं कहता होता हूं कि उनको अगर दुबई का सहरा दे दिया जाए तो वो डेजर्ट में भी बैटिंग कर लेंगे। इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि विराट कोहली दुनिया के चोटी के बल्लेबाज एंड ही इज absolutely astonishing, absolutely brilliant, fantastic, out of blue. कोई ऐसा शॉट जो है क्रिकेट बुक्स के अंदर नहीं है जो विराट कोहली नहीं खेलते हो, लेकिन मिकी आर्थर जो है वो इतने स्टूपिड बयान या इतना बेवकूफाना बयान हरगिज नहीं दे सकते कि कोहली जो है वो जमजम पाकिस्तान आए, जमजम सेंचुरियां बनाएं। आपने सेंचुरियां भी बनाई हैं और पहले आपके खिलाड़ियों ने ट्रिपल सेंचुरियां भी बनाई हैं और एक बार मैच जीत भी गए थे। तो देखते हैं जी कि विराट कोहली पाकिस्तान आएंगे तो इनको बिल्कुल मौका मिलेगा, और मौका मिला तो इंशाल्लाह बनाएंगे, पाकिस्तानी बॉलर्स टफ टाइम देंगे एंड इट विल बी अ फैंटास्टिक टू वॉच आउट द पाकिस्तानी बॉलिंग और इंडियन बैटिंग, जैसे कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में देखा था मुकाबला वाज आमिर वर्सेज विराट कोहली, तो वो क्रिकेट वॉज एट इट्स पीक। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो विराट कोहली इज मोस्ट वेलकम इन पाकिस्तान। जाने से पहले आपको ब्रेक पे जाने का इशारा हो गया जी, हमारे जो सुपरवाइजर है आउटडोर सुपरवाइजर उनकी तरफ से इशारा हो चुका है ब्रेक पे जाना होगा मुझे, तो ब्रेक पे जाने के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि क्रिकेट खेली जा रही है। आपको मैंने आखिरी हेडलाइन दे दूं कि बर्फ के अंदर पहाड़ की चोटी पे 8,990 फीट के आल्टीट्यूड के ऊपर क्रिकेट खेली जा रही है बर्फ पे, स्विट्जरलैंड में खेली जा रही है सेंट मॉरिट्स में। दो टीमें हैं, एक टीम की क्यादत जो है वो शाहिद खान अफरीदी कर रहे हैं जबकि दूसरी टीम की क्यादत जो है वो वरिंदर सहवाग भारत के साबिक ओपनिंग बल्लेबाज कर रहे हैं। देखना यह है कि अब वो उस क्रिकेट में क्या होने जा रहा है, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे झलकियां भी दिखाएंगे लेकिन आपको स्क्वाड भी बताऊंगा लेकिन इस ब्रेक पे जाने के बाद। तो देखते रहिए जी ई आवाज चल रहा है यहाँ पर सिलसिला मैच पॉइंट का, मैच पॉइंट पर डॉक्टर अदनान, ई आवाज आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, जादू टेलीविजन के ऊपर, आईपी नेटवर्क के ऊपर, साउथ एशियन जो यहाँ पॉपुलेशन है उनका सबसे बड़ा मोस्ट वॉच्ड साउथ एशियन चैनल ई आवाज आप नॉर्थ अमेरिका से आप देख रहे हैं हमारी फीड्स। डॉक्टर अदनान आपके साथ मैच पॉइंट, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड व्हेन आई विल कम बैक आई विल गो एंड एक्सप्लेन ऑल दीज हेडलाइंस। स्टे ट्यून्ड टू ई आवाज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं मैच पॉइंट और यू आर ट्यून्ड ऑन ई आवाज टेलीविजन नेटवर्क और हम बातें कर रहे हैं क्रिकेट की और स्पोर्ट से जुड़ी खबरें आपको दी। अभी आपने हेडलाइन सुनी और अब प्रोसेस को एलोब्रेट करके आपको बताना चाहूंगा कि क्रिकेट की दुनिया में व्हाट्स इन व्हाट्स आउट। तो जो पहली खबर है मेरा ख्याल है हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से मेरा सिलसिला टूटा था हेडलाइन का, कि अफरीदी 11 और सहवाग 11 जो अफरीदी की टीम है अफरीदीज रॉयल्स और सहवाग्स डायमंड उनके बारे में बताना चाहूंगा कि सेंट मॉरिट्स में ये क्रिकेट खेली जा रही है। 8 और 9 फरवरी को दो मैच होने थे तो ये दो मैच जो है दोनों मैचों में अफरीदी की जो 11 है उन्होंने सहवाग्स डायमंड को जो है वो शिकस्त दे दी है। यकतरफा मुकाबलों के बाद एक दफा पहले बॉलिंग करते हुए और दूसरी दफा जो है पहले बैटिंग करते हुए तो दोनों दफा जो है वो शिकस्त हुई वीरेंद्र सहवाग की टीम को। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा जी अगर आप लगा सकें एक बोर्ड लगा सकें मैं आपको दिखा सकूं कि इस 11 में तो कौन कौन से प्लेयर्स थे।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी अगर लग जाए मेरे पीछे पिक्चर आप देख सकते हैं कि ये अफरीदी 11 वर्सेस वरिंदर सहवाग 11 और ये देखिए जी ये पिक्चर आपके सामने आ गई है वरिंदर सहवाग के जो डायमंड्स का स्क्वाड आप नजर दौड़ाएं तो वरिंदर सहवाग के नीचे इनके ओल्ड पेसर जहीर खान जो है वो मौजूद थे कामयाब आईपीएल प्लेयर मोहम्मद कैफ जो सबका कैप्टन 2000 का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले अजीत अगारकर महिला जयवर्धने श्रीलंका से लसित मिलंगा श्रीलंका तिलक रत्ने दिलशान श्रीलंका माइकल हसी ऑस्ट्रेलिया 2010 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान से बड़े दूर ले गए थे एंड्रयू सैमंड्स मौजूद हैं यहाँ पर इसके अलावा मिनहास इंडिया से रमेश पवार इंडिया से और रोहन जैन लोकल प्लेयर को डाला गया था स्विट्जरलैंड से इसी तस्वीर में देखिए अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लगी तस्वीर के अंदर के नीचे आपको शाहिद अफरीदी रॉयल्स का स्क्वाड नजर आ रहा है जो शुएब अख्तर पाकिस्तान के पेसर और फास्टेस्ट बॉलर ऑन द अर्थ फ्रॉम द क्रिकेट शुएब अख्तर पाकिस्तान से अब्दुल रजाक पाकिस्तान से जैक क्वेलिस और ग्राहम स्मिथ बड़े नाम दो स्किपर साउथ अफ्रीका के डेनियल विटोरी द वंडरफुल स्पिनर फ्रॉम न्यूजीलैंड नेथन मैकेलम न्यूजीलैंड ग्रांट एलियट मैच विनिंग प्लेयर फ्रॉम न्यूजीलैंड और लाहौर कलंदर का बड़ा नाम मोंटी पिनेसे इंग्लिश स्पिनर ओवेस शाह इंग्लैंड के मैट प्रायर इंग्लैंड के और एंड्रियोज लोकल प्लेयर को डाला गया है स्विट्जरलैंड के और ये थी उनकी टीम आपने जो देखी तो बड़ी मजबूत टीमें थी लेकिन अफरीदी की जो टीम है उन्होंने वरिंदर सहवाग की टीम को जो है वो आउट क्लास कर दिया आउट क्लास भी किस तरह किया थोड़ा सा आगे चल के आपको मैच की हाइलाइट्स भी दिखाएंगे पिक्चर्स भी दिखाएंगे लेकिन कुछ खबरों के बाद पहले मैं कुछ जरूरी खबरें दे दूँ जो हमारे शो का जो एक मेन आपको मैंने बताया था सेकंड हेडलाइन थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड जो सीरीज खत्म हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैचेस के अंदर जो है वो वन साइडेडली एशेज में बड़ी ही बदतरीन शिकस्त दी इंग्लिश टीम को और इंग्लिश टीम जो है वो दास्तान समेट के जो है वो वतन वापस लौट चुकी है लेकिन ओडीआई सीरीज में इसके ऑपोजिट हो गया ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से शिकस्त खानी पड़ी एक मैच जो चौथा वनडे मैच था वो इंग्लैंड जो है वो बचाने में ऑस्ट्रेलिया की टीम बचाने में कामयाब हुई वरना जितने भी मैच थे वो अपने होम ग्राउंड में उनको शिकस्त हो गई आखिरी मैच में इंग्लिश पेसर्स की बहुत जबरदस्त गेंदबाजी और विकेट्स को जो डायरेक्ट हिट करने का जो मजा है जो फास्ट बॉलिंग देखने का मजा था वो बड़े अरसे बाद दोबारा हो गया इंग्लिश बॉलिंग देखने के बाद इंग्लैंड की बात थोड़ी सी करता चलूं आपको कि जहां मैंने टेस्ट मैच की बात की कि इंग्लिस्तान की टीम जो है उनको शिकस्त हुई ऑस्ट्रेलिया के हाथों तो वहां को बड़ा अमेजिंग फैक्ट मेरे सामने से गुजरा था मैं आपसे शेयर करना नहीं भूलूंगा दैट फैक्ट वाज रिगार्डिंग द इंग्लिश रिकॉर्ड व्हाइल इंग्लैंड इज प्लेइंग बैक इन देयर डेन आई मीन इन द इंग्लैंड व्हेन इंग्लैंड इज प्लेइंग इन द इंग्लैंड from 2009 if I pick up the ratios England have now won 14 series and only 2 series they have lost and 2 series they have drawn since last 2009 so it's almost about a decade 10 years so Pakistan the tourist of 2016 are the only team jinhone England ko in saalon ke andar shikast di hai England ke andar jaake यही है टीम पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबिलिटी अनप्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल टीम पाकिस्तान ने यह मार्का सर अंजाम दिया इंग्लैंड की टीम बड़े मजबूत पोजीशन में थी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाके उनका पासा टोटल पलट गया और ऑस्ट्रेलिया ने किसी टाइम पे भी स्टीवन स्मिथ की टीम ने उनको किसी गेम में भी वापस नहीं आने दिया स्वाय एक ड्रॉन मैच के जहां पर इंग्लैंड ने मुजाहमत की लेकिन ओवरऑल पूरी एशेज के अंदर इंग्लिश टीम जो है किसी किस्म की मुजाहमत का सामना ना कर सके अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडियन जो हमारे नाज़रीन है जो देख रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर और उनके लिए बड़ी डिटेल्स लेके आया हूं मैं इसी मैच के बारे में कि जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो इंडिया की टीम जो है वो ले उड़ी बहुत मजा आया एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है इंडिया की टीम ने इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेली कि ये जो क्रिकेट की नॉलेज रखने वाला शख्स है वो ही देख के बता सकता है कि टीम इंडिया वाज सच गुड स्पिरिट के देवर अनस्टॉपेबल इन द होल टूर्नामेंट देवर अनस्टॉपेबल इंडिया पुल्ड ऑफ अ सेंसेशनल 8 विकेट विन ओवर ऑस्ट्रेलिया टू लिफ्ट द आईसीसी लीग टाइटल फॉर द रिकॉर्ड 4th टाइम भारत की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम दोनों ने इस प्रेस्टिजियस टाइटल को 3-3 दफा जीत रखा था और अब जब टीम इंडिया ने इसको चौथी दफा जीता तो टीम इंडिया हैज बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल टीम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप इन द अंडर 19 टू लिफ्ट दिस कोवेटेड टाइटल फॉर द रिकॉर्ड 4th टाइम
India became the only side in the history. इसके अलावा और किसी के पास ये रिकॉर्ड नहीं है. एक क्लिनिकल बॉलिंग का मुजाहरा किया गया इंडिया की तरफ से. इंडिया के बारे में कहा जाता है कि उनके बल्लेबाज बहुत जबरदस्त हैं लेकिन उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है. कौन कहते हैं जी बॉलिंग अच्छी नहीं है. इंडिया की गेंदबाजी जो थी इतनी जबरदस्त और एलीट बॉलिंग थी, रिस्ट्रिक्टिंग ऑस्ट्रेलिया टू 216 और पृथ्वी शॉ एंड हिज मैन गन डाउन कंफर्टेबली इन द एंड. और 67 बॉल्स रिमेनिंग थी और जब इंडिया ने हिस्ट्री के अंदर अपना नाम जो है लिखवा लिया, बल्कि रदर आई शुड से दे हैव रीरिटन द हिस्ट्री बुक्स एट द एंड. अर्लियर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि दोनों टीमें जो थी वो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर, ये एक रिकॉर्ड है कि दोनों दे हैव क्वालिफाइड, इंडिया हैव क्वालिफाइड फॉर द रिकॉर्ड सिक्स टाइम. ये सेमी फाइनल्स में भी आए थे और उसके बाद इन्होंने फाइनल का भी सामना किया. तो फाइनल में भारत से ज्यादा कामयाब टीम या तजर्बा कार टीम जो है नहीं हो सकती, क्योंकि 6 दफा की फाइनल भारतीय टीम जो है इस वक्त अपने मध्य मुकाबले ऑसीज को लेके आई थी. तो ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस अच्छा था और उन 6 में से 5 3 दफा जो है, जो लास्ट 5 times थी, उनमें से 3 times इंडिया है पिक द टाइटल सक्सेसफुली. फाइनल वाज अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया जो खुद भी 3 दफा के चैंपियन थे, लेकिन जो है टीम इंडिया ने ऑसीज की एक नहीं चलने दी. छोटा सा वीडियो हमने तैयार किया है आपके लिए, देखने वालों के लिए, जिसको आप एंजॉय करेंगे और इस पर आपकी नजर पड़ेगी एक शख्स पे, तो आप हैरान हुए बगैर नहीं रहेंगे कि ही वॉज द मेंटोर एंड कोच ऑफ द इंडियन टीम एंड ही वॉज द वॉल. दिस वॉज द क्रिटिकल फैक्टर. आप देखिए इस वीडियो में हु इज द वॉल बिहाइंड द इंडियन टीम. हैव अ लुक ऑन दिस शॉर्ट वीडियो. स्टे ट्यून्ड, यू आर वॉचिंग मैच पॉइंट. और आपने देखा द वॉल बिहाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन टीम. राहुल द्रविड़ जो खुद तो वर्ल्ड कप को अपने हाथ में नहीं पकड़ सके, किसी भी वर्ल्ड कप को, लेकिन उनको ये वर्ल्ड कप जो है वो नसीब हो गया और ये वर्ल्ड कप उन्होंने इंडिया के लिए पकड़ा. एंड ही वाज द साइलेंट किलर फ्रॉम द इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप. सेमीफाइनल विन जो थी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की, ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हैट्रिक थी वर्ल्ड कप्स के अंदर, अंडर 19 के अंदर 2012, 2014, 2018 3 दफा लगातार अगेंस्ट द आर्च राइवल्स इंडिया ने जो है वो शिकस्त दी है. लेकिन आप घबराइए नहीं, मायूस नहीं हो. जो मेरे पाकिस्तानी नाजरीन हैं जो मैच देख रहे हैं, आपको ये बता दूं कि अगर भारत ने शिकस्त दी 3 दफा टीम पाकिस्तान को, तो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो नॉर्मल क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं है, ये अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है. अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत को शिकस्त दे चुकी है. भारत जो है वहां पर अनबीटेबल नहीं है और वहां पर पाकिस्तान ने 2002, 2004, 2006, 2010 सक्सेसिवली इंडिया को जो है वहां पर वर्ल्ड कप मुकाबलों में शिकस्त दी थी पाकिस्तान की टीम ने. और जो टोटल था पाकिस्तान का जो मैच हुआ था सेमीफाइनल्स का, भी बड़ा क्लैश था. पाकिस्तान की टीम बहुत प्रेशर में खेली, 69 रन पाकिस्तान की टीम ने बनाए और दैट वाज द लोएस्ट एवर स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप. जो हेगले ओवल ने देखा क्राइस्टचर्च, जहां पर ये मैच न्यूजीलैंड में खेला गया, वहां पर पाकिस्तान की टीम जो है बिल्कुल भी मजामत ना कर सकी एंड स्कम्ड टू द इंडियन बॉलिंग. रमीज राजा ने कहा, मैं उनका बयान पढ़ा था तो बड़ा दिलचस्प बयान था, उन्होंने कहा कि मेरा जो पहला इंप्रेशन था अंडर 19 क्रिकेट, वो बिल्कुल ठीक था कि अंडर 19 जो वर्ल्ड कप बॉयज थे दे आर द ट्रू डिटो कॉपी ऑफ द, बल्कि मैं कहूंगा कि मिरर कॉपी ऑफ देयर सीनियर्स. टिपिकल एग्रेशन इन द बॉलिंग, एग्रेशन इन द फील्डिंग एंड द फास्ट बॉलिंग का वही पेस, वही रफ्तार, लेकिन अगेन
उनका फुटवर्क मूव नहीं हो रहा था और बैटिंग के अंदर द सेम डिस्प्ले और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और आर्ट स्वेवर्स के अगेंस्ट थोड़ी सी पैची बैटिंग, तो सेम मिरर डिस्प्ले था पाकिस्तान के बॉयज का जस्ट लाइक एज देयर सीनियर्स. सो नीड टू बी इंप्रूव्ड, कोच वर्क करेंगे और आई होप इट कुड हैव बीन बेटर. नो वन स्कोर्ड मोर देन 18 रन्स इन दिस पाकिस्तान इनिंग्स. सबसे लंबा फिक्रिया था ये पाकिस्तान कोच को सोचना होगा, कोई भी जो है खिलाड़ी जो है वो 18 रन से ऊपर स्कोर नहीं कर सका. तो मुझे लगा कि शायद ट्रूली पाकिस्तान टीम समझ गई कि व्हाट इज अंडर 19, कि 19 से ऊपर स्कोर नहीं करना. तो शायद माइट भी ये वजह हो कि पाकिस्तान टीम का कोई भी खिलाड़ी जो है वो 19 या 18 से ऊपर नहीं जा सका. लेकिन बहरहाल जी, इंडिया की जो बॉलिंग थी उसको मैं दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान को किस तरह से कंट्रोल किया. इंडिया वर हेड एंड शोल्डर्स अबव इन दिस अंडर 19 वर्ल्ड कप. और जैसा कि मैंने आपको बात की कि मेरी जो यादें ताज़ा होगी वो यादें किससे ताज़ा हुई, 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप से, जब रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलियन टीम ने तने तनहा तमाम टीमों को रोंद डाला था. दैट वॉज द ओनली अनबीटन रन इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री, जब रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो अकेले अनबीटेबल और अनमैचेबली जो है वो पिक करके ले गई टाइटल. और सेम किया वही टीम इंडिया ने इस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर. पृथ्वी शाह की इंडियन टीम जो है वो रिमेन अनबीटन. पहले मैच में उन्होंने सेम ऑस्ट्रेलियन टीम को 100 रन से शिकस्त दी थी और फाइनल में वही फीट जो है वो रिपीट किया गया. उन्होंने बताया कि दिस इज नो फ्लूक, वी कैन बीट एनी टीम एट एनी ग्राउंड एंड वेदर इट इज न्यूजीलैंड वेदर इट इज इंडिया, इंडिया वॉज द चैंपियन इन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप. यहां पर आपको खबरें दे रहे हैं, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम क्या करते होते हैं, चला दे म्यूजिक. किलर फैक्टर का टाइम हुआ जाता है और किलर फैक्टर जो है मेरा बड़ा ही दिलचस्प है. क्योंकि बातें हो रही हैं टीम इंडिया की, तो यह कैसे हो सकता है कि मेरा जो किलर फैक्टर है वो टीम इंडिया से मुतालिक ना हो. तो मेरा ये किलर फैक्टर, और आज आपको पहले बता दूं कि आज एक नहीं दो नहीं तीन किलर फैक्टर लेके आया हूं. तो जो पहला किलर फैक्टर है, संभाल लीजिए सीट बेल्ट्स और गौर से सुनिएगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं. जूलन गोस्वामी कौन है ये शख्स? ये शख्स नहीं बल्कि ये औरत है. जूलन गोस्वामी बिकम्स द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू ग्रैब 200 ओडीआई विकेट्स. इससे पहले किसी खातून ने आज से पहले ओडीआई की तारीख में वुमेन क्रिकेट के अंदर 200 विकेट हासिल नहीं की. और जूलन जो है उनका ताल्लुक भारत से है. और जो अगर मैं मेंस क्रिकेट की तरफ जाऊं तो मेंस क्रिकेट में सबसे पहला मर्द जिसने 200 विकेटों का हदफ अबूर किया था, ही वाज आल्सो इंडियन एंड दैट वाज बैक इन 1991 एंड ही वाज कपिल देव. ओडीआई के अंदर भी पहला स्टॉल भारतीय खिलाड़ी का था और फीमेल साइड पे भी पहला जो लैंडमार्क था वो भारतीय खिलाड़ी का था. जूलन और कपिल देव में ये मुश्तरक है, लेकिन अमेजिंग और सुपर फैक्टर जो है वो ये नहीं है बल्कि कुछ और है. और वही है मेरे प्रोग्राम का किलर फैक्टर कि दोनों ने ये जो फीट अचीव की, अमेजिंग फीट, दैट वाज आफ्टर प्लेइंग 166 ओडीआई मैचेस. जूलन ने 166 मैच खेलने के बाद ये हदफ पूरा किया. और आज से कई वर्ष पहले 30-35 वर्ष कबल 1991 में कपिल देव ने जब यह लैंडमार्क अचीव किया तो भी वो अपना मैच नंबर 161 खेल रहे थे. यही था हमारा किलर फैक्टर. प्रोग्राम और बातों का सिलसिला जारी रहेगा. आप देख रहे हैं ई आवाज, मैं डॉक्टर अदनान आपके साथ मैच पॉइंट में. अभी आपको लेके जाना है स्विट्जरलैंड, अभी आपको लेके जाना बाकी है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका. कीप वॉचिंग मैच पॉइंट, कीप वॉचिंग ई आवाज एंड ट्यून इन एंड वी विल बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं ई आवाज, दिस इज मैच पॉइंट पर डॉक्टर अदनान. चलना है हमने जी इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज की जानिब, लेकिन इस सीरीज पे जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया के साबिक विकेट कीपर और अजीम विकेट कीपर रॉडनी मार्श 80 की दहाई में इमरान खान और कपिल देव की इंडियन और पाकिस्तानी टीमों का सामना करने वाले रॉडनी मार्श जो है वो आज भी याद ताज़ा करते हैं उस जमाने की. और उन्होंने
एक 11 चूज की है और उसकी पिक्चर आपके सामने अभी लेके आते हैं, हम आपको दिखाते हैं जी कि उन्होंने एक 11 चूज किया और इस 11 के मेंबर्स कौन कौन से हैं। ये लीजिए, ये पिक्चर आपके सामने आ गई। देखिए कितना इंटरेस्टिंग उन्होंने एक टीम चुनी है, उन्होंने अपनी 11 चुनी है, ऑल टाइम बेस्ट 11, जिसके अंदर बेरी रिचर्स फ्रॉम द साउथ अफ्रीका और गॉर्डन ग्रीनेज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज को उन्होंने ओपन करवाया है, जबकि वन डाउन पे उन्होंने टीम कप्तान इयान चैपल को दावत दी है आने की, और इयान चैपल टीम को लीड भी कर रहे हैं और वन डाउन है, जबकि उसके बाद सर विवियन रिचर्ड्स और जावेद मियांदाद बितरतीब चौथे और पांचवें नंबर पर, और छठे के ऊपर आप देख सकते हैं कि सर गॉडफ्रीड सोबर्स, सेवन पे एलन नॉट एज अ विकेट कीपर, और रॉडनी मार्श जो है उन्होंने अपने आप को इस विकेट कीपर स्लॉट पे नहीं रखा, जबकि पाकिस्तान से उन्होंने 8 नंबर पे जो बॉलिंग जो मशीन ली है उन्होंने 4 बॉलर्स जो हैं उनका इंतखाब किया है, जबकि 3 फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर, और जो 3 फास्ट बॉलर्स उन्होंने पिक किए हैं वो इमरान खान, एंडी रॉबर्ट्स और डेनिस लिली जो है उन्होंने पिक किए, और जो वाहिद स्पिनर उन्होंने टीम में चुना वो अब्दुल कादिर, पाकिस्तान के सबक लेग स्पिनर जो हैं उनको चुना है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग 11 थी जो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँगा, कि जो रॉडनी मार्श ने अपनी पिक की ऑल टाइम बेस्ट 11, जिसके अंदर ना ही विराट कोहली है, ना ही सचिन तेंदुलकर है, ना ही वसीम अकरम है और ना ही शुएब अख्तर है जी। और अब हमें जाना होगा जी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। एक ही नाम जो मेरे सामने आता है वो नाम है कोहली, द वन नेम। The cricket speaks one language. Indian cricket speaks only one language, and that is Virat Kohli. Virat Kohli leading from the front. Virat Kohli is making chases looking ridiculously easy. अगर आपने हालिया साउथ अफ्रीकन सीरीज देखी हो जिसमें भारत की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका का मुकाबला कर रही है, तो लिटरली उन्होंने एक जो स्कोर है क्रिकेट स्कोर, चाहे वो चेस करने के दौरान या पहले खेलते हुए, उन्होंने लिटरली रन स्कोर जो है एक तमाशा बना दिया है। जब उनकी बारी आई स्कोरिंग की तो उन्होंने जो सेंचुरी स्कोर की माइट बी द वन द क्रिटिक्स एंड द क्रिकेट एनालिस्ट दे थॉट इट द टफेस्ट और दे थॉट इट द हिज कैरियर बेस्ट नॉक और someone playing in the South Africa at the tremendous level, but for Virat Kohli it was just another day at the office. Virat Kohli ने इतने आराम से और इतनी आसानी से ये जो है इसमें batting की South Africa के खिलाफ कि देखने वाले जो है वो हैरान हो गए कि किस तरह से उन्होंने टीम इंडिया की जीत में जो है वो कलीदी किरदार जो है वो अदा किया। विराट कोहली has become the first ever Indian to score 100 runs in an innings by taking the runs not the boundaries. जी हाँ, ये amazing fact आपके लिए लेके आया हूँ मैं कि जो last match खेला गया था वहाँ पर विराट कोहली ने जो 150 runs किए, वहाँ पर विराट कोहली ने जो 100 runs बनाए उसमें 75 single शामिल थे, 75 ones and 22 twos and 3 threes he has taken. और उसके बाद जो बाकी थी वो बाउंड्री से बनाए, और इतने ही जो तमाम रन्स थे ये विराट कोहली ने जो है वो 100 रन्स इसके लिए किए। इससे पहले जो इंडियन बेस्ट रिकॉर्ड था, जो यूनिक रिकॉर्ड था, ये टीम कप्तान सौरभ गंगुली के पास था, लेकिन वो सेंचुरी बनाने में कामयाब ना हुए, क्योंकि विराट कोहली वो पहले भारतीय कप्तान ही है जिन्होंने रन से दौड़ के सेंचुरी बना ली, क्योंकि इससे पहले सौरभ गंगुली जो अपनी बेस्ट कोशिश कर चुके हैं वो 99 रन्स बनाए थे उन्होंने, और 98 रन बनाए थे माफ कीजिएगा, एंड दैट वाज वर्सेस श्रीलंका इन 1999 जहां पर गंगुली ने ये एफर्ट की थी। और अब अगर मैं इंडियन कैप्टन्स को देखूं कि द मोस्ट सेंचुरीज बाय एन इंडियन कैप्टन, तो वहां पर विराट कोहली 1400 इन 57 इनिंग्स ही इज लीडिंग, जबकि ओडीआईज में मैं जाऊं तो वहां पर 43 टाइम्स 1200, तो इतना अमेजिंग रन फीट है। तो मुझे ये लगना शुरू हो गया कि माइट भी अगर क्रिकेट खेलते रहे ये, और अगर सचिन की तरह खेलते रहे, आई मीन अंटिल टू डेकेड्स, और अगर 10 साल और खेल गए तो क्रिकेट की तारीख में बैटिंग का शायद ही कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जो इनकी नजर से बच पाए। आई डोंट थिंक सो, रियली डाउटफुल कि शायद कोई रिकॉर्ड ये छोड़ पाए। विराट कोहली अभी से जो मनाजिल तय कर रखी है और जो ये बैटिंग मिनिस्ट्री ने जो करामे सर अंजाम दिए हैं, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। व्हाट मोर यू कैन आस्क फॉर फ्रॉम द इंडियन कैप्टन टू परफॉर्म एट हिज डे। अच्छा, जहां पर एक मैच जो खेला गया, जहां पर डुप्लेसी जो है जख्मी होने से पहले जब
साउथ अफ्रीका की टीम के अंदर थे, तो वहां पर एक बड़ा अमेजिंग रिकॉर्ड जो है वो सामने आया, वो मैं आपसे शेयर करना जरूर चाहूंगा। और वो रिकॉर्ड ये था कि जब बोथ कैप्टन जो खेल रहे हों और दोनों ने 100 रन स्कोर किए हों, ऐसा क्रिकेट की तारीख में सिर्फ 4 मरतबा हुआ है। दिस वॉज द फोर्थ टाइम, उससे पहले सिर्फ 3 दफा ऐसा हुआ है, और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोर्टफील्ड और मॉर्गन, इयन मॉर्गन जो है ये 2013 में ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं, और कोहली जो है अब इसमें 3 दफा इन्वॉल्व हो चुके हैं। व्हाट अ अमेजिंग फैक्टर। कोहली जो है इससे पहले रहीम उल्लाह के साथ फतेह उल्लाह में 2014 में यह कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं, जबकि विराट कोहली मैथ्यूज के साथ रांची में 2014 में यह कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं, और अब डर्बन में डुप्लेसी के साथ उन्होंने ये अमेजिंग रन फीट जो है ये बोथ कैप्टन का जो है ये कारनामा दोबारा सर अंजाम दिया। तो विराट कोहली इज द कॉमन फिगर अमंग ऑल दीज रिकॉर्ड्स। अगर मैं अब भारत के कप्तानों की जानब जाऊं तो वहां पर भी एक बड़ा अमेजिंग रिकॉर्ड मेरे पास आया कि विराट कोहली ने जो लेटेस्ट रिकॉर्ड जो तोड़ा है, अमेजिंग रिकॉर्ड कि मोस्ट हंड्रेड्स फॉर इंडिया इन द ओडीआईज एज अ कैप्टन, जो कप्तानों ने बारियां खेली एज अ कैप्टन नॉक जो था, वहां पर भी विराट कोहली ने जो है झंडे गाड़ दिए जी। वहां पर अब 12 विराट कोहली का सेंचुरीज है इन द 43 इनिंग, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि वो इंडियन बेस्ट हो चुका है, टेस्ट क्रिकेट का भी आपको मैंने बताया और ओडीआईज का भी बताया। तो ओडीआईज के अंदर अब वो 43 इनिंग्स के बाद 12 है, और उन्होंने सौरभ गांगुली का 11 सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन ये जेहन में रहे कि विराट कोहली ने ये 43 इनिंग्स में बनाए, जबकि सौरभ गांगुली ने 11 सेंचुरियां 143 इनिंग्स में बनाई, ऑलमोस्ट ट्रिपल टाइम्स ज्यादा उन्होंने मैच लिए 11 सेंचुरियां बनाने में। तो अगर सौरभ गांगुली ने 143 मैचेस लिए, तो सोचिए कि जब विराट कोहली 143 मैचेस लेंगे तो उनकी सेंचुरी के दौरान माइट भी 33 या 34 पे निकल चुकी हो, जितनी शायद सचिन तेंदुलकर ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं बनाई होगी, उतनी सेंचुरियां शायद वो बना चुके होंगे। सचिन तेंदुलकर जो है उनकी 6 सेंचुरियां हैं 70 मैचों में, जबकि MS धोनी की भी 6 हैं 71 मैचों में, और सबसे जो बॉटम पे हैं जो इंडियन लिस्ट के अंदर वो 162 मैचेस के अंदर मोहम्मद अजहरुद्दीन उनके कप्तान जो है उनकी 4 सेंचुरियां हैं इंडियन ऑल टाइम बेस्ट के अंदर। अच्छा, अब भारत की टीम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रही है अब 2 रोज के अंदर साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका पूरी सर तोड़ कोशिश करेगा सीरीज को बराबर किया जाए, लेकिन ये बड़ी खास बात है कि अब इंडिया हार नहीं सकता, अब इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज जो है वो बराबर हो सकती है। फर्स्ट टाइम ये हुआ है हिस्ट्री के अंदर कि साउथ अफ्रीका हैज लॉस्ट फर्स्ट 3 मैचेस ऑफ द सीरीज एट होम, एंड फोर्थ टाइम ओवरऑल ऐसा क्रिकेट की तारीख में हुआ है कि जो साउथ अफ्रीका जो है वो 3 मैच लगातार हार गया हो। इससे पहले जो सीरीज थी दे वर ऑन द स्ट्रीक ऑफ 18 मैचेस, सक्सेसिव कंसेक्यूटिव मैचेस इन अ ट्रॉट 18 इन अ रो, और इंडिया ने आके उनको इस जो कंसेक्यूटिव मैचेस थे उनका ब्रेक लगा दिया। दिस इज द रिकॉर्ड फॉर एनी टीम, नॉट फॉर द साउथ अफ्रीका, 18 ऑन अ ट्रॉट बीटन बाय द बीटन प्रीवियसली द वेस्ट इंडियन रिकॉर्ड ऑफ द विव रिचर्ड्स टीम, और अब ये 18 मैचों का एक यूनिक फीट था जो कोहली की टीम ने जिसको ब्रेक लगा दिए हैं, और ये फर्स्ट इंस्टेंस है कि साउथ अफ्रीका 0-3 से बायलेटरल सीरीज के अंदर जो है वो ट्रेल कर रहा है घर के अंदर, वरना घर के अंदर साउथ अफ्रीका को घुस के आज तक किसी ने नहीं मारा सिवाय टीम इंडिया के। अब दूसरी बात ये थी दिलचस्प, आपको बताना भूल गया कि डुप्लेसी चूंकि नहीं थे, तो डुप्लेसी की बजाय मार्करम जो है उनको कप्तानी के फराइज जो है वो सर अंजाम देने के लिए उनको बैन दिया गया कि वो टीम साउथ अफ्रीका के नए कप्तान होंगे, और उन्होंने इससे पहले जो है वो सिर्फ 2 मैच खेल रखे थे, और ये सेकंड यंगेस्ट कैप्टन है आफ्टर ग्राहम स्मिथ। ग्राहम स्मिथ के बाद ये दूसरे कम उम्र कप्तान है जिनको साउथ अफ्रीका टीम स्प्रिंग बॉक्स की कप्तानी का एजाज जो है वो हासिल हुआ। एडन मार्करम ने जो है साउथ अफ्रीका को वन डे में जब लीड किया था, मैंने उनको बताया जैसे कि वो 2 मैचेस का एक्सपीरियंस था, तो ये भी एक रिकॉर्ड बुक्स पे आ गया कि जो सेकंड मैच में जो सिर्फ 2 मैचेस पीछे हो तो वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने इससे कम में यह कारनामा अंजाम किया है, एंड ऑनली ही इज द लोएस्ट बेसिकली फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एक्सेप्ट अगर आप क्लाइव राइस को निकाल दें, क्योंकि क्लाइव राइस ने तो ओपनिंग मैच खेला था, तो ऑब्वियसली ही वुड हैव बीन द ओनली कैप्टन, तो वो यंगेस्ट ही होंगे क्योंकि वो पहले कप्तान थे, तो उनके बाद हम ले रहे हैं, तो उनके बाद ही इज द ओनली वन जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है।
लेकिन जो रिकॉर्ड टूटता है वो वहां टूटता है कि मार्कलम के पास तो दो मैचेस थे। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट की तारीख में कोई ऐसे खिलाड़ी भी है कि जिन्होंने एक मैच खेला हो और उनको अपनी टीम की कप्तानी करने का एजाज हासिल हुआ हो? जी हाँ, वो एक नहीं बल्कि तीन तीन खिलाड़ी हैं जिनके पास ये क्रिकेट का यूनिक रिकॉर्ड है। और इस लिस्ट के अंदर मशहूर मारूफ और अभी आपको मैंने जिक्र किया था रॉडनी मार्श के जो टीम कैप्टन थे, ऑस्ट्रेलिया के सबक कप्तान इयान चैपल ने जब ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की तो उनकी बेल्ट के अंदर सिर्फ एक ही मैच था। इयान चैपल वो पहले खिलाड़ी थे। उसके बाद वेंकट रावन जो है वो इंडिया की तरफ से यह कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। ली जर्मन न्यूजीलैंड से और डाइट बेस्टन जो है वो बर्म्यूडा की जानिब से जो है यह कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं, जहां पर एक मैच खेलने के बाद उनको टीम का कप्तान बना दिया गया हो। अंडर 19 क्रिकेट का वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स एंड देन फेसिंग ईच अदर इन द ओडीआई, व्हाट एन अमेजिंग ट्रिविया फैक्टर विद मी। आप लोग एंजॉय किए बगैर नहीं रह सकेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये ट्रिविया क्या है। कि क्या आपने कभी सोचा कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दो जो कप्तान हों, जो एक जमाने में अंडर 19 में एक दूसरे से भिड़े हों और कम से कम फाइनल तक पहुंचे हों या ट्रॉफी उठाई हो, और वो दोबारा फेस टू फेस नॉर्मल क्रिकेट के अंदर भी, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आमने सामने हुए हों? तो विराट कोहली इज सच एन अमेजिंग फिगर कि इनको ये कारनामा दो दफा सर अंजाम किया और ये दुनिया के ओनली खिलाड़ी हैं, ही इज द ओनली प्लेयर टू अचीव दिस फीट। वो इस तरह से कि अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला हुआ जिसमें टीम कैप्टन पाकिस्तान के सरफराज अहमद वॉज वर्सेज टीम इंडिया विराट कोहली, दोनों इससे पहले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भिड़ चुके हैं। इसी तरह जो विराट कोहली और एडन मार्करम है इस सीरीज में साउथ अफ्रीका में आपस में मध्य मुकाबले आए, तो ये दोनों भी विराट कोहली और मार्करम साउथ अफ्रीका के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में दोनों कप्तान जो है एक मैच में आमने सामने जो है आ चुके हैं। लेकिन दोनों मैचों का कॉमन फैक्टर जो था ही वॉज विराट कोहली। साउथ अफ्रीका लॉस्ट द थर्ड ओडीआई अगेंस्ट द इंडिया बाय 124 रन्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा मार्जिन है, लेकिन आपको शायद ये ना पता हो, मैंने देखा कि इंडियन अखबार भर गए कि 124 रन से टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका की टीम को शिकस्त दी। लेकिन ये टीम साउथ अफ्रीका स्प्रिंगबॉक्स की बिगेस्ट डिफीट नहीं है, बिगेस्ट डिफीट कहीं और लिखी गई है। और वो कहाँ लिखी गई है? वो पोर्ट एलिजाबेथ में 11 दिसंबर 2002 को लिखा गया है। और वो जो टीम है जिसने उनको शिकस्त दी थी 182 रन से, साउथ अफ्रीका लॉस्ट द मैच इन देयर होम बाय 182 रन। दैट इज स्टिल द बिगेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड टू बीट साउथ अफ्रीका इन देयर होम। करने वाला कौन है? जी हाँ, अगर आपकी आप इशारा कर रहे हैं कि वो चैंपियंस की चैंपियंस टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम है तो आप बिल्कुल गलत हैं। साउथ अफ्रीका नहीं बल्कि चैंपियंस की चैंपियंस टीम सरफराज अहमद की टीम पाकिस्तान है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को उनके घर में घुस के मारा था। वो साउथ अफ्रीका की तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त है जो एवर साउथ अफ्रीका गॉट एट देयर होम। एक्स फैक्टर मेरे प्रोग्राम का, आपको मैंने खबरों में बताया था, आपको हेडलाइन में बताया था, ब्रेकिंग न्यूज के अंदर एबी डिविलियर्स जो है वो वापस आ रहे हैं। अब जो अगला मैच होने जा रहा है फोर्थ ओडीआई, अब साउथ अफ्रीका को वापस आना है तो तीनों मैच उनको जीतने हैं ताकि सीरीज बराबर हो सके। सबसे बड़ी खबर साउथ अफ्रीकन पॉइंट ऑफ व्यू से, एबी इज बैक, माय मैन एबी डिविलियर्स, एबी 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 इज बैक। लेकिन यहां पर जब एबी डिविलियर्स का जिक्र आ रहा है तो स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि एबी अब वापस आ चुके हैं। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जोहानसबर्ग के अंदर एबी डिविलियर्स जो हैं उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री, वो किस तरह से है। पाकिस्तान के खिलाफ 2013 में 108 बॉलों पे 128, 77 ऑन 47 बॉल्स वर्सेस इंडिया इन 2013, एंड देन इन 2015 149 ऑन 45 बॉल्स वर्सेस वेस्ट इंडीज, देन इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में 27 बॉलों पे 36 रन, एंड देन वर्सेस श्रीलंका इन 2017 द मोस्ट लेटेस्ट 60 रन नॉट आउट। And don't forget, South Africa never lost a match at Johannesburg in all these last previous attempts when AB was batting with this feet. ये बड़ी important बात है। और जो ये तमाम matches थे जो Johannesburg में खेले गए, जिनका मैंने जिक्र किया अभी आपसे, these were all the pink matches. जी हाँ,
ये पिंक बॉल और पिंक जो है वो जो ड्रेस वाला जो मैच था एबी डिविलियर्स का जो खेलते होते हैं वो साउथ अफ्रीकन वहां पे फाउंडेशन के लिए, ये वो वाले मैचेस थे तमाम। एंड ही इज बैक फॉर द फाइनल 3 ODIs इन द नेक्स्ट गेम वर्सेस इंडिया एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस विल बी अ पिंक गेम फॉर इंडिया। ये पिंक गेम है, अब देखता ही है कि क्या भारत एबी डिविलियर्स का जो रिकॉर्ड है पिंक बॉल और पिंक मैच का ये खराब करने में जो है पार्टी स्पॉयलर्स जो है भारत के बल्लेबाज विराट कोहली और भारत के जो बॉलर्स हैं क्या वो पार्टी स्पॉइल करेंगे एबी की या एबी जो है वो भारत की पार्टी स्पॉइल करेगा, इसके लिए थोड़ा सा समय आप इंतजार करना होगा जब तक कि सीरीज के फाइनल मैच नहीं हो जाते। अब आपको थोड़ा सा टाइम हो चला है जी, मेरे प्रोग्राम को क्लोज करना है, मुझे क्लोज करने का इशारा आ चुका है, तो आपको मैं प्रोग्राम के आखिर में पुश करूंगा वहीं पर जहां पर हमें हेडलाइन आपको बताई थी और आपको मैंने बताया था अफरीदी 11 और वीरेंद्र सहवाग 11 के मामैन जो सेंट मॉरिट्स में स्विट्जरलैंड में जो मैच खेले जा रहे थे वो दोनों मैच का नतीजा आ चुका है और दोनों मैच जो है वो शायद अफरीदी 11 जो है वो उनको शिकस्त देने में कामयाब हो गई है। जो आखिरी मैच था वहां पर पाकिस्तान माफ कीजिएगा अफरीदी 11 की जो हालत थी थोड़ी सी नाजुक दिखाई दे रही थी, लेकिन दो विकेटें गिरने के बाद टीम कप्तान जैक कैलिस जो साउथ अफ्रीका के सबक कप्तान और ग्राहम स्मिथ जो सबक कप्तान साउथ अफ्रीका थे उन्होंने अफरीदी 11 में बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और तने तनहा जो है मैच वन साइडेड जीत लिया। इस मैच की खास बात थी द पिक ऑफ द बॉलर्स वर ऑल पाकिस्तानी बेस्ड शुएब अख्तर एंड अब्दुल रजाक, लेकिन जो पिक ऑफ द बॉलर्स थे वो अब्दुल रजाक थे जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करके 6 विकेटें हासिल की। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थी जो मीडिया की विकेट कहा जा रहा था जिसमें मीडिया स्कोर कर रहा था वो विकेट थी, क्योंकि पहले इस बात का इजहार किया गया था कि इट विल बी ऑल ऑल्दो इट्स अ फ्रेंडली इनकाउंटर, लेकिन कहा गया था कि इट्स अ शुएब अख्तर वर्सेज वीरेंद्र सहवाग मैच। तो वीरेंद्र सहवाग को 60 रन के ऊपर जब आउट किया तो वो आउट करने वाले कोई और नहीं बल्कि शुएब अख्तर ही थे एक बार फिर। लेकिन एनी हो जी सहवाग 11 जो है ये फ्रेंडली इनकाउंटर जो है वो दोनों जो है वो हार गए। आपको थोड़ी सी मैं नेट्स पे जो है वो वीडियो दिखाना चाहूंगा कि ये नेट प्रैक्टिस के दौरान जो है हमारी टीम ने जो है वो कुछ मनाजिर जो है कैमरे की आंख से महफूज किए, आइए चल के देखते हैं कि नेट प्रैक्टिस में क्या हो रहा है। Who's spelling it? I think it's Hector. Good pace, sir. Good pace. Good pace, sir. Yeah! Calf batting kar raha hai. Practice session hai. मोहम्मद कैफ पनवा बॉलिंग की, शुएब अख्तर बॉल करेंगे, वाइड बॉल। सॉरी आई डिडंट रिकॉर्ड दैट वन। जट का नाउ द बलंगा जी। अब इन नेट्स की वीडियो के बाद आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि सम अदर सुपर्ब मोमेंट्स आई हैव केप्ट फॉर ऑल ऑफ यू क्रिकेट लवर्स ऑन द आइस। इस क्रिकेट के कुछ और मोमेंट्स हुए और मैचेस के दौरान और आउट ऑफ द मैचेस इन द ड्रेसिंग रूम इन द पवेलियन एंड इनसाइड द होटल जो है जहां पर ये टीमें ठहरी, बड़े कुछ दिलचस्प मनाजर जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं और बल्कि जब मैंने ये मनाजर देखे तो मेरी अपनी जो है वो यादें इसी होटल से वाबस्ता कुछ यादें हैं वो ताज़ा हो गई। तो आपको इसी बोर्ड रूम के जहाँ पर जो मीटिंग रूम है और जहाँ पर डिनर किया जा रहा है वहाँ का कुछ एक और तस्वीरी झलकियाँ जो है हाइलाइट्स आपको दिखाती हैं। दिस इज ओनली ऑन ई आवाज एंड यू आर वॉचिंग मैच पॉइंट।
सेंट मॉरिट्स में जहां पर ये क्रिकेट खेली जा रही थी वहां पर कुछ और आउटसाइड द फील्ड कुछ ब्रिलियंट जेस्चर जो है वो देखने में मिले और पाकिस्तान के साबिक कप्तान धुआंधार बल्लेबाज लाला बूम बूम शाहिद खान अफरीदी जो है वो तस्वीरें खिंचवाते हुए हमारे पास एक दिलचस्प वीडियो आई जहां पर एक इंडियन फैन ने उनको इशारे से अपनी तरफ बुलाया और लाला जो है वो उनकी तरफ लपके और उसके बाद उन्होंने घबरा के फैन ने इंडियन जो फ्लैग था उसको फोल्ड कर लिया लेकिन शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि दिखाओ इसको शो इट और उन्होंने उसके साथ तस्वीर खींची और फैंस जो है उनकी खुशी जो है वो देखने लायक थी ये दिलचस्प मनाज़िर भी कैमरे की आंखें महफूज की हैं हैव अ लुक ऑन द शॉर्ट वीडियो Hi guys, well we were cricket on ice and I'm with Graham Smith. Let's be honest, I did not enjoy bowling to him, which is 80 against left arm spin. Yeah, I know this stat because I never got you out. But your cricket on ice experience. Mine's just really special spending time with you, boy. Oh, great. No, it's been good. Yeah. Have you had fun? Yeah, I enjoyed you hitting sixes and fours on ice. I had sixes and fours. I'm just here bragging about my cover drive. Nice. Sweet cover drive. I mean, it was a very rare thing in my career, and my hairline almost fell. जी और ये थे दिलचस्प नज़र सेंट मॉरिट्स की कहानी और आपने सुनी साउथ अफ्रीका और इंडिया की दास्तान पाकिस्तान सुपर लीग की जुड़ी जो है वो नई खबरें प्रोग्राम का टाइम जो है खत्म होने का आ गया है और मुझे इशारा हो चुका है जी फाइनल अपने कोऑर्डिनेटर की जानिब से कि क्लोज कर दें क्योंकि हमें प्रोग्राम को इससे आगे नहीं बढ़ाना अगली बार जो है दोबारा सिलसिला जोड़ेंगे यहाँ से छूटा था और ये खबरें लेके आएंगे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको मैं छोड़ दूँ और जाने दूँ इस किलर फैक्टर के बिना एक किलर फैक्टर मेरे पास है और यही हम अपने इस प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम कर देंगे आज से पहले 1999 में एक कारनामा सर अंजाम हुआ आज की तारीख में लेकिन उससे मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं अगर 1958 में तो पहली दफा ये कारनामा जो है 1958 में सर अंजाम हुआ और जगह थी इंग्लिस्तान इंग्लैंड ग्राउंड था ओल्ड ट्रैफर्ड लेकिन जब 1999 में आज के दिन यह कारनामा सर अंजाम हुआ तो मुल्क था इंडिया और ग्राउंड था दिल्ली दिल्ली का फिरोज शाह कोटला ग्राउंड लेकिन जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं ये बड़ी दिलचस्प है ऐसी दिलचस्प है कि आप जो है वो सीटों से हिल के रह जाएंगे या हिले हुए हैं तो दोबारा हिलते ही रहेंगे क्योंकि ये है हमारे प्रोग्राम मैच पॉइंट का किलर फैक्टर एक्सक्लूसिवली फॉर ई आवाज जी हाँ किलर फैक्टर ये है कि आज से पहले जब पहली दफा क्रिकेट की तारीख में 19 विकेटें ली गईं, एक इनिंग्स के अंदर 10 विकेटें ली गईं और एक ही बॉलर ने ली तो दैट वाज द ओनली इंस्टेंस एट दैट टाइम क्रिकेट की तारीख का एक रिकॉर्ड था जो लिखा गया और क्रिकेट ने उसको बार बार दोहराया और शायद ही तारीख हुआ है कि लगता था कि ऐसा रिकॉर्ड जो है वो दोबारा बन पाएगा जी हाँ जिम लेकर ने इंग्लिस्तान की जानिब से खेलते हुए एक ये इनिंग्स के अंदर ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर तमाम मुखालिफ खड़ियों को आउट किया था और 10 विकेटें जो है वो अपने नाम की थी दैट वाज द ईयर 1958 उस मैच के दौरान जब ये मैच चल रहा था तो वहां पर एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल थी और उनका नाम था रिचर्ड स्टोक्स जो थे वो ये मैच लाइव देख रहे थे जब जिम लेकर ने ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर 1958 में 10 विकेटें हासिल की ये कारनामा दोबारा रीराइट हुआ हिस्ट्री बुक्स के अंदर लेकिन अब की बारी जिम लेकर ने नहीं किया
बल्कि ये कारनामा भारत के साबिक कोच और भारत के साबिक स्पिनर अनिल कुंबले उन्होंने सर अंजाम दिया और वसीम अकरम की पाकिस्तान 11 के अगेंस्ट 1999 में ये यादगार मैच हुआ न्यू दिल्ली में। वहां पर इंग्लिस्तान की जानिब से एक बिजनेसमैन जो है वो लंदन से पहुंचे थे पूना और वहां से वो इंडिया में अपने बिजनेस का दौरा कर रहे थे। इसी दौरान उनको इल्म हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। उन्होंने इस मैच के टिकट्स मंगवाए और न्यू दिल्ली का मैच देखने के लिए वहां पहुंचे और उस रोज अनिल कुंबले ने 10 विकेट ले ली। वो जो कामयाब बिजनेसमैन जो लंदन से पहुंचे थे पूना और पूना से ऑल अराउंड इंडिया अपने बिजनेस के लिए ट्रेवल कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि यही बच्चा रिचर्ड स्टोक्स था। रिचर्ड स्टोक्स इज द ओनली वन इन दिस अर्थ जिसने ये क्रिकेट की यूनिक फीट अपनी आंखों से लाइव एक नहीं बल्कि दो मरतबा देखी। फर्स्ट बैक इन 1958 मुकम्मल शक्ल अख्तियार कर जाएगी। मुकम्मल जो है मैचेस का जो है स्टोरी बताएंगे कि ये मैच कहाँ कहाँ होने जा रहे हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है जो बाकी तीन मैचेस हैं ये कंप्लीट हो चुके होंगे और आपको बताएंगे कि इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो क्या कर रही है और इंग्लैंड से मार खाने के बाद क्या कुछ कंपनसेशन करने में कामयाब हुई कि नहीं। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नंबर वन साउथ एशियन चैनल ई आवाज के ऊपर और आपको देखना होगा हमारा प्रोग्राम मैच पॉइंट। तब तक अपने होस्ट अपने दोस्त डॉक्टर अदान को यहां से इजाजत दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।